Okay, guys, uh, we're going to keep it uh, quick. I have a yearly meeting in Urdu. I have a joke because the English version is already done. Whoever, has not, or whoever is going to listen to me speak Urdu right now would know that it's just a revision of whatever I just spoke. okay? We are uh, going to start to announce to our students, inshallah. Monday, ko, we are trying to host, inshallah, a class. We are trying to host everything. Is done now, roster is done. योर मीटिंग विद रिमेनिंग आपने अब मैं उर्दू में ही बात करूंगा मुझे अंग्रेजी बोलूँ तो मुझे याद करा दीजिएगा डेज वॉट द रेटिकर एक्टिवेटिंग सिस्टम डेट डॉट रियली कोर्डिनेट विद द न्यू को टेक्स देखिये मैंने ये वर्जूमला फिर अंग्रेजी में बोलिए तो आपने मुझे क्वेश्चन uh, जो आपने उर्दू में उर्दू में प्लेस करें ताकि हम आप उर्दू में बात कर सकें जो कि उर्दू ऑडियंस है हमारी ज्यादातर ऑडियंस उर्दू है जो आपके इको में रजिस्टर हुई है ओके okay, उनके लिए आपने आ, उन क्योंकि ये हमने फैकल्टी मीटिंग्स अनाउंस पब्लिक अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं वी आर गोइंग टू गो पब्लिक राइट नाउ, वी आर गोइंग पब्लिक ओके आपने आ, वो वाले सवाल करने जिससे मुझे रेलेवेंट डेटा अपने स्टूडेंट्स को अपने आ, तमाम तर दुनिया को देने का मौका मिले जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर आवाज आ रही सबको सर एक दफा मैं उर्दू में तर्जुमा कर दू जो वसीम साहब का क्वेश्चन था उसका कि आधा घंटा चार बंदे क्यों क्या कम नहीं है साढ़े सात मिनट एक बच्चे को तो उसका मैं आपको उर्दू में बता दूं कि वो कम नहीं है क्योंकि जबान के लिए साढ़े सात मिनट हैं, कानों के लिए वो आधे घंटे से कई ज्यादा है आधे घंटे से भी कई ज्यादा है इसको क्वेश्चन जिस तरीके से मेजर किए जाते हैं वो साढ़े सात मिनट टू द पावर ऑफ फोर होते हैं फोर्थ बंदा टीचर खुद है अपना जब आप बोल रहे होते हैं तो आप कान उस वक्त उस तरह कॉन्शियस फीडबैक नहीं ले रहे थे उसका एक आर्ग्यूमेंट तो अभी ये भी प्लेस हुआ है कि बंदा अपनी बात को एज एन एलियन सुन ही नहीं सकता अपनी टोन को और अपने उस एक्सेंट को अगर सुनता तो ऑटो एडजस्टमेंट खुद होती नहीं होती कभी भी गलत एक्सेंट वाले बंदे गलत एक्सेंट ही पर बात करते हैं गलत का मतलब है कोई भी जबान का अपना उर्दू का गलत लहजा जो होता है या अंग्रेजी का या अरबी का जब तक कि वो सही एक्सेंट कान नहीं बताता उसके दिमाग को जबान बताई नहीं जबान जब अपना ये कान अपनी जबान के आगे खुद ही मऊफ हो जाते हैं तो ये बड़ा मसला है तो हमें चार बच्चों को एक क्लास में डालने के पीछे जो ब्रेन साइंस इसके ऊपर लगाई है वो ये कि आधा घंटा हो या थोड़ा सा पांच सात मिनट ऊपर हो आपको गैप और बफर मिलेगा इन नहीं करें हमने बफर रखा हुआ है राष्ट्र में हमेशा बफर रखा जाता है बिकॉज ऑफ एनी अनफॉर्चून इवेंट्स सो जब चार बच्चे एक क्लास में हो तो आपको खुद पता है कि क्यों हमने चार बच्चे रखे चालीस क्यों नहीं रखे हमारे पास भी हजारों लोग हैं अलहदुल्ला हमें भी रखने चाहिए थे ज्यादा ज्यादा पैसे कमाने चाहिए थे नहीं पर हमने ये सिस्टम तोड़ने के लिए तो ये सिस्टम बनाया वो जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है कि ये वन ऑन वन फोकस के बगैर एजुकेशन नहीं होती ट्रेनिंग नहीं होती टीचिंग नहीं होती लर्निंग नहीं होती डेवलपमेंट नहीं होती होती भी है तो वो वन परसेंट टू परसेंट या फाइव परसेंट की होती है जो स्कूल के आप रिजल्ट्स में आप देख ही लेते हैं कि टॉप क्रीम जो होती है वो ऑडियो विजुअल ब्रेन मोडालिटी के लिए ही ज़्यादा अकस्टम्ड होते हैं और वो इस तरह सीख के आगे निकल जाते हैं बाकी के लोग ज़्यादातर केनेस्थेटिक लर्निंग के थ्रू सीखते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता ना टीचर के पास ना स्टूडेंट के पास क्योंकि बारी आए सो ये बात हो रही है लैंग्वेज ट्रेनिंग की लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो आपका ब्रेन का दिमाग का जो हिस्सा है उसको कहते हैं द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी जो गर्दन है ना इसके बिल्कुल ऊपर स्पाइनल कोड जहाँ पे खत्म होती है बेसल गैंगलिया बोलते हैं इसको बेसल गैंगलिया इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच द ब्रेन एक्चुअली सेटल गैंगलिया के साथ अटैच हुआ, हुआ आपका लिम्बिक ब्रेन लिम्बिक ब्रेन ये ऐसे आपका दिमाग सो दिस इज योर लिंबिक ब्रेन अराउंड आपका नियोकोटेसॉरी uh, uh, yeah, नियोकोटे आपका अराउंड किया हुआ उसने आपके लिंबिक ब्रेन को वो कनेक्ट हुआ बेसल गैंगलिया के साथ इनके बीच में जो नशे हैं उन नसों के टूफ को बोलते हैं द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जबान क्यों आपको ये बता रहा हूँ साइंस ताकि आपको बताओ जो जबान बोलता है ना इंसान वो असल में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू बोल रहे हो ये मुआजा साइंस को अभी तक समझ नहीं आया कि छोटा सा तीन साल का बच्चा इतनी हार्ड ग्रामर को कैसे बग़ैर किसी ट्रेनर के बग़ैर किसी वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के बग़ैर किसी यू नो फॉर्मल एजुकेशन के वो जबान परफेक्टली कैसे पकड़ लेता है क्योंकि ग्रामर के कोई ख़ास रूल होते नहीं जितने मर्ज़ी कोई लिख ले ग्रामर इवाल्व्स ओवर टाइम अपने ही असूल अरबी भी अंग्रेज़ी भी उर्दू भी अपने ही असूल खुद तोड़ती है

Thanks for me so, जब आप जबान सीख रहे होते ना तो अब मैं भूल गया हूँ uh, well. जब क्लास में बैठे होंगे ना जब भी किसी भी मौके के ऊपर आप मोमेंटम से पैरल यूनिवर्स में एंटर होंगे ना तो वो उस मोमेंटम को मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आपने मोमेंटम टूटा नहीं देना आधा घंटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर मेरे पास ऑप्शन होती दो घंटे की तो मैं कभी भी दो घंटे ना होकर करता दो घंटे को ज़्यादा ही है बिकॉज हमारा जो अटेंशन स्पेन है उसको कागनेटिव फिटीक बोलते हैं फटीक में चला जाता होता है और वो भी ऑनलाइन तो और भी काम है वो मेजर नहीं हुआ क्योंकि अब जब कोविड के बाद से डेटा आना शुरू हुआ था मैं बड़ा कॉन्शियसली मेजर कर रहा था बड़े जर्नल्स पढ़ने की कोशिश की मैंने कि काग्नेटिव फिटीक ऑनलाइन लर्निंग में कैसी होती है इतना बड़ा डेटा आना शुरू हो गया आप कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का मगर कोई मेजर नहीं दिखाया किसी ने वैसे है हमारे पास मैजर इट इज सो मच वर्क ऑन दिस सो डेढ़ घंटा एक घंटा या इसके बीच में कहीं पे आइडियल केस सिनेरियो गिरना था अगर इसको इस तरीके से टेस्ट किया जाता जैसे कि फिजिकल क्लासरूम में करते हैं ऑनलाइन को तो हमें पता भी नहीं आई वॉज थिंकिंग स्टिल इज टू लॉन्ग क्योंकि आप जबान, जब मुंह से जबान से नहीं सीखते लैंग्वेज आप जबान से नहीं सीखते आप लैंग्वेज कानों से सीखते हैं तो वो आपने बार बार एक्ो करवाना है रिपीट एंड देन रिपीट थ्रू अदर एक्सेंट्स दूसरे बच्चे के एक्सेंट्स दूसरे बंदे के एक्सेंट्स दूसरी खातून के एक्सेंट से मैं सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा कि टोन में फ्लेवर में ऑल द इमोशन आर डिफरेंट और वो मेरा दिमाग फिर अब मेरे कानों के थ्रू ऑटो क्रेक्ट करेगा और मेरी जबान को एडजस्ट करेगा बगैर मुझे पता बताए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतनी पावरफुल चीज़ है वो क्यों नहीं पता होता कि हम जबान सीख रहे तो हमें सामान आना शुरू हो गई क्योंकि नियो कॉर्टेक्स आपको बताता है सारा कुछ नियो कॉर्टेक्स का काम ही नहीं है जबान ओके okay, मतलब ये जबान के जबान इसके काम आती है मगर जबान सीखना ऐसे काम नहीं आखिर जबान चलाना भी से काम नहीं जो माहौल होता है ना कि बगैर सोचे समझो जो बोल ये वो यही ये बोल रहे हैं कि वो न्यूकॉटेक्स जहाँ से सोचते हैं ऑल ऑफ दिस होल आउटर रिंग ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग ब्रेन ऑल ऑफ द मेमोरी एंड डेटा एंड एवरी ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये आपका ये आपकी वोकल फ्रेंजी को इस्टेब्लिश को करता है अब बच्चा क्यों इतनी जल्दी सीख लेता? लेज बचपन में, में, तो यही, यही तो में बनना शुरू होता है थर्ड ईयर के कहीं थर्ड ईयर के एंड तक कहीं जाके नियोकोटेक्स लोब्स क्रिएट होती है इलेवेंथ ईयर में प्री फ्रंटल कोटेक्स क्रिएट होता है तो टीचर जो कि आप लोग बच्चों को जो क्लासेस लेंगे अभी आपको ज्यादा आसानी होनी चाहिए अगर आपको ये मोडलिटी और मॉड्यूल्स पता चल जाए ओके? Okay? सो so, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कितनी आसान हो जाती है कि अगर आप मशीन का मैनुअल खोल लें टीचिंग फैकल्टी असल में आ, बुक्स और सिलेबस और मैनुअल तो खोल लेते हैं करिकुलम खोल लेते हैं दिमाग का मैनुअल नहीं खोल रहे हैं। और यहाँ पे हमने इनशाला इनशाला ये इकोसिस्टम हमारा आखिरा का मिशन है हमने हर मैनुअल खोलना है सबसे पहले इंसान की प्रोफाइल का मैनुअल खोलना है ये कौन मेरी क्लास में आ गया है? क्या चाहता है, इस तो है? इसको इसको कैसे 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 डायरेक्शन देनी है है के थ्रू आगे पहुंचाना ये आपके लाइफ लॉन्ग हैं आपके स्टूडेंट्स ये आपके अल्फाज के थ्रू याद रखिएगा टीचर से बड़ी लॉटरी किसी की नहीं निकल सकती उस सार से बड़ी लॉटरी इस्लाम में किसी की नहीं आपके स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी अच्छा करना है आगे से उनके स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी करना है सारे के सारे स्वभाव आपको मिल रहे होंगे बस आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि मैंने इसकी आखिरा संवारनी है और अरबी से बेहतर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है पर लगाने लगे आप उसके अब कितना उड़ना है वो तो बाकी की स्किल्स बताएंगी मगर उड़ने के लिए पर है कि नहीं वो ये वाली स्किल बताएगी बहुत जरूरी है कि आप उसको उसी तरीके से लेके चले सो so, ज्यादा साइंस में नहीं मैं जा रहा मैं आपको खास ये बता रहा हूँ कि एक उस्ताद को अगर बच्चे की प्रोफाइल नहीं करनी आती ना तो वो वो गलत शोबे में वो किताब खोल रहा है वो इंसान का दिमाग नहीं खोल रहा वो गलत शोबे में वो दुश्मन है उस उसने उस अपने उस प्रोफेशन का और सबसे बड़ा दुश्मन है उस स्टूडेंट का और जताए उसके बाद कि मैं स्टूडेंट हैं मेरे और अपने के दर्जात मनवा और जता रहा हो या मांग रहा हो वो बेशरम आदमी और कुछ नहीं उसको यही नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा तोहफा कितनी बड़ी मशीन उसके सामने प्लेस किया मशीन का मैनुअल खोले बगैर बटन दबाई जा रहा है और बटन भी नहीं दबाते कहीं तो क्लास में आते हैं बोलते हैं चले जाते सो यू यू नॉट दो आप लोग वो लोग नहीं है आप लोग किसी वर्ष से इधर आए में

तो मैं और आप फिर गलत विजन में मतलब हमारा मेरा कोई और काम मैं मैं किसी और टैंक और तोपों में चला रहा हूँ आप कोई और बंदूकें चला रहे एक दूसरे को मार देंगे हम तो हमारे विजन ही नहीं अलाइन हुए हुए सो अंडरस्टैंड कितनी पावर और थ्रस से आपने ये विजन जो है ना कन, कन्वे करना है और कितना सटल और ह्यूमरसली uh, इसको प्लेस करना है उधर These people should love you. These people should

सो so, किसी भी किसी शक में मत रहिएगा दो नंबर एजुकेशन सिस्टम ने मचा के रखी है तीन सौ साल से इससे बड़ा फ्रॉड किसी और लेवल पे किसी और इंडस्ट्री ने किसी और सतह पे नहीं किया जितना एक इंसान इंसान ने दूसरे इन्सान को इस तरीके से कियापलेट करके तबाह किया हम सबको पता है स्कूल में क्या हुआ हमारे साथ ये उस फ्रॉड को तोड़ने की सबसे पहली काविश है इंशाल्लाह और ताकि और है भी किस लिए आखिरत के लिए सो अंडरस्टैंड इट इससे सेंसिटिव नहीं हो सकता मेरे लिए कोई मामला और आप लोग वो लोग हैं कि जिनकी बिना पे काम होना है ग्रेट so, मेरे वहां पे पहाड़ नजर आ रहे होंगे मुझे ये मेरे सीईओ के पहाड़ नजर आ रहे होंगे उधर हम वही पैसे कर रहे होते हैं बैठ के मीटिंग में बड़े बड़े मसाइल आ रहे हैं। मैं तो आपको नहीं बताऊंगा आई वांट यू नो बाप बच्चों को अपने पे नहीं बताता नौकरी में क्या मसले हैं बच्चे भी परेशान हो जाए आई एम नॉट लेट यू नो मेरी वेबसाइट पे क्या इशू है वहां पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता आते हैं इशू हम मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहा हूँ हाउ इज शी मोटिवेटिंग माई टीम बाकी की जो आपकी सपोर्ट टीम कितनी है आपकी यू नो कम्युनिकेशन टीम आपकी अलग है आईटी टीम आपकी अलग है मैं क्या गिरा हूँ आपको कौन कौन से बंदे आपको सपोर्ट करना हर बंदे के साथ क्या मसला कोई ना कोई मसला चल रहा है मोटिवेशन एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं हूँ भाई बड़े काम करेंगे तो मसले आएंगे ये तो आखिरत के लिए हो रहा है ये तो ये तो ये तो मेजर प्रोजेक्ट तो है इसके अलावा वेयर एल्स वुड बी रादर भी पैसे कमाने जाए या फिर नौकरिया करें बैठ के या करियर बना रहे हो To के बाद पाँच बजे छुट्टी करिए घर चला जाऊं नो दिस इज नॉट दिसमेट सुबह सात सात आठ आठ बजे तक यही नहीं पता हम तो पूछना भी छोड़ दिया मैंने अपनी टीम बंदों के बंदो से सोए सो के आ रहे हो या जाके सो गए ये पूछना छोड़ दिया मैंने और सबको पता है कि ये, ये, ये आगे की सोच रहे भाई ये सौ साल का प्लान ऐसे नहीं पूरा होने वाला किसी एक नस्ल को तो खून व खून होना पड़ेगा तो हाँ हमसे हम स्टार्ट करते ना कि अपने बच्चों को गुजारूंगा मैं उस तकलीफ से हम रीज़न वाई आई हैव दिस बिलीफ कि ये बड़ा काम हो सकता है इन शह और होगा इन शह वो जिन और फरिश्ते नहीं उतरे जिन्होंने बड़े काम किए हैं अल्लाह तला के बड़े काम करके लोगों को संवार के चले गए वो इंसान ही थे अगर हमारे पास तो टेक्नोलॉजी की ताकत अल्लाह ने गिफ्ट में दे दी हमें हमें तो वो ली साइंस तरक्की करके हमारे सतह हमारे दौर में वहाँ तक पहुँच चुकी है हमें काफ़ी कुछ पहुँच चुका है मेरा बड़ा आसान सा

तो मेरी फैकल्टी मेरे साथ लाइन में नहीं कैसे मैं? Okay, सारे के सारी टीम, सब कुछ है एन अरबी क्लास आखरा क्लास मैं फिर बता दूं आपको अरबी नहीं पढ़ाने जा रहा आप आखरा पढ़ाने जा रहे हो आपको किसी शक में मत रहिएगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कोई अट्ठाना उन्नीस बल्कि इससे भी ज्यादा हफ्ते हम मीटिंग में जो हमारा फील्ड वर्क है उस मीटिंग में क्या रहे हैं हर बंदा अभी भी मुझे साहब बता रहे थे पिछले वीक कि सर सब कुछ कर लेना, टीचर्स का विजन पहले कर लेना। ये ना आप कुछ और इस्लाम आ, की फ्लेवर आगे जा रहे ये इस्लाम की बात ना कर रहे ये वो उस आइडेंटिटी की क्ले, दे ही ना रहा हूं पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरी तमाम तक इवन यू नो योर सी टीचर पिक करना सबसे बड़ी बात है सबसे पहले टीचर पिक करना इनका विजन क्लियर होना चाहिए सारा टाइम तो उनके साथ रहना है उन्होंने मेरे साथ तो शायद सीरा का एक मॉड्यूल या दो मॉड्यूल में सीरा के करा रहा हूँ वो होंगे वो घंटे के टोटल हो गए उससे भी कम का आप, आप, साथ तो रोज होना चेक ऑन थ्रो स्टूडेंट बट आई कैनॉ मैं वो जगह नहीं ले सकता जो आपने लेनी है उनके दिलों और दिमागों दोनों में सो so श्योर sure आपकी इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ माई किधर है

Ortega is one of the 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 finest, rated as best best employer in the country, best employer. ये दो हजार सोलह की बात है uh, कंपनी ने अपने तमाम ना जो टीम है एंप्लॉयिज उनके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के डेस्कटॉप के ऊपर बाय फोर्स वो अपनी कंपनी का विजन लिखवा दिया और क्या किया उन्होंने फिर आ, मेरे से जो बातचीत चलती थी उसके बाद हम कल एक्सपेरिमेंट करते थे हम अभी भी करता हूं मैं एक्सपेरिमेंट तो उसको ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो आ, के लिए मैंने कहा कि पहले ये करो थोड़ा सा वक्त लग गया मगर बहरहाल हुआ क्या समझे इस बात को क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ही सेट के जब मैंने पहली दफा अपने लैपटॉप से और डेस्कटॉप से अपना विजन लिखवाया ना तो किसी ने नोटिस किया हाँ बड़ा अच्छा हुआ किसी चाय पे बात हो गई किसी यू नो आफ्टर पार्टी किसी की बर्थडे थी तो बातचीत चल पड़ी कहता फिर मैंने फोर्स किया मेरे कहने के अगेंस्ट ये बात उसने की कहता नौ बजे से लेके दस बजे तक आप लोगों ने विजन की डिस्कशन करनी है कहता उसके बाद फिर बातचीत तो और बढ़ना शुरू हो गई नैनी कौन मैंने से था मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रही कि मेजर कैसे करूं कि ये लोग विजन पाएंगे नहीं ऐसे तो यू नो कि दूध है

और डेस्कटॉप के विजन उसको You're not do anything. नौ के लेके नौ बज के पांच मिनट तक कहता कि पहले हफ्ते लोग कहके लगाते थे हंस होते थे कि ये क्या दी है इसने दस दिन तक कहके चलते थे like, uh, क्योंकि लोग कहके लगाते थे के हमने नौ बज के पांच मिनट तक खाली डेस्कटॉप को देखना है जैसे कि बट इट वर्क डेढ़ दो महीने बाद ही लोग आप रो रहे हैं रोते हैं लोग देख कि मैं, मैं कुछ किसी और वजह से इधर दस्ता आता था और करता कुछ और थ्री इयर्स लेटर थ्री टूक थ्री इयर्स इट बिकेम द नंबर वन ब्रांड ऑफ चॉइस टू टू वेयर टू बाय क्लोथ फ्रॉप नो कपड़ों की दुकान है यार नो टू वर्क फॉर द नंबर वन कंपनी टू वर्क फॉर अच्छा well, his, his मेरे प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है, है तो खुद ही बढ़ती है साथ दुनिया पूरी आपकी तरफ आ रही कि मैंने काम करना है कहाजन सिंपल हो वन लाइन हो सब लाइन में हो हम तो आखिरत की बातें करते हैं हम तो मुसलमान है हम तो बहुत आगे की सोचते हम तो दुनिया की सोचते नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अलबिन नबी तालिब की तरह सोचना है ये वन लाइन विजन ये आपके सामने हर वक्त होना चाहिए कि मैंने बच्चे को आधे घंटा चालीस मिनट रोज देने उसको कौन सी में केपेबिलिटी अदर देन अरबी जो है ना वो वस्तु कहाँ से दे रहा हूँ अरबी कहां पे इस्तेमाल हुई ये लफ्ज कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये फ्रेज अल्लाह ने कैसे इस्तेमाल मतलब स्टेज बाय स्टेज हम आपको एक्टिविटीज साथ साथ दे रहे होंगे एक्टिविटी बेस्ड भी तो काम है सारा हमारा तो काम ही एक्टिविटीज का बुक्स तो खाली आपकी ट्रेन है ट्रेन के अंदर क्या क्या लगाया हुआ हमने

By the year end, they should be addicted. We need to, to, to prove to ourselves that you know, we can think like you know, Alibina Talib. inshallah. So it's, it's, a, it's a very clear, simple vision, but it's a very complicated set of skills and efforts that we're going to, to go into. That's what human design is. Allah ne itni se itni sophisticated machine स्टूडेंट प्रोफाइलिंग आपसे मैं जिस लेवल पे स्टूडेंट डेटा मांगूंगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आप मेरे टीचर्स हैं आपके अलावा किसी को नहीं पता चलना उसकी सिचुएशनल प्रोफाइल क्या है आपकी उसकी ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको कि एक बच्चे की सिचुएशनल प्रोफाइल कैसे मेजर करते हैं होती क्या है उसका काम क्या है आपको टीचर्स को तो खाम में भी नहीं पता दुनिया के उस्तादों उस उस्तानियों को सिचुएशनल प्रोफाइल असल में नेचुरल प्रोफाइल को ट्रंप कर देती है मैंने कहा ना बगैर सीखे कोई ये नहीं कहता कि मैं मैं उस्ताद हूं साइंस आपको दिमाग की नहीं पता माइंड uh, की नहीं पता मतलब साइकोलॉजी uh, नहीं पता और फिजियोलॉजी नहीं पता तो आप उस, उस इंसानों में क्या कर रहे हैं आप मतलब तो उस दरसो तदरीस में आ गए आप वो तो खेलती ही दिमाग के साथ दरसो तदरीस से आपको असूल ही नहीं पता था दिमाग कैसे चलता आपने उसके ऊपर किस ये कलमकारी करने की को कोशिश कैसे की अपने अपनी सोच की सो यू यू आर आर नॉट पीपल हियर विद द विजन वो अल्लाह की किस्मत उठा रहा हूँ मैं आपको वो लोग भी अरबी सीखने नहीं आ रहे हैं दीज आर ऑल द पीपल आई नो हु विदर्पज वो मकसद से आ रहे हैं आपके पास इतने बड़े वादे कर दिए हमने इनशाला इनशाला आखिरत में, में सहबी की आप तरक्की करेंगे हम छोटा क्लेम है कि हम सहबी की तरह सोचेंगे और उस पूरी डस्ट को निकाल लेंगे रास्ते में जो आइए तर्जुमे 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 नो हम वी नीड टू थिंक लाइक दबी सो दट वी कैन गेट आर आइडेंटिटी इन वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको आपका विजन क्लियर होगा सो आई होप माई फैकल्टी अच्छा मैं आपको बात कोर्ट की बताता हूं थ्री एवरी डे फॉर faculty पांच मिनट तीन साल रोज तब कहीं जाके उन सबको पता चला कि यार हम तो किसी एक इधर आते अपना कैथारसिस शुरू किया सबने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किसी को जज करना बंद कर दिया किसी को ब्लेम करना बंद कर दिया लोगों ने मैं आपको बताऊं लिस्ट मैं शेयर करूंगा मैं बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है पढ़ा होगा कि उसने क्या क्या चेंजेस देखी लोगों में अपनी कंपनी के एम्प्लॉज में कि वाज वो पांच मिनट विजन देखते थे हंसने और क्या क्या लगने के बाद खामोशी लाइब्रेरी का माहौल पांच मिनट तक कब बोला था लोग आधा आधा घंटा बैठे रहते थे कि हो क्या रहा है लोगों ने खत लिखने शुरू कर दिए सीईओ को अपने पर्सनल मामला फॉल्टर कर रहा हूँ अपने आपकी कंपनी के विजन से इतने इंसान जब आता है ना किसी एक मकसद के ऊपर फिर उसके जिस साइज के पर निकल आते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता ये आपके मैं चार इतने बड़े बड़े पर फैले जब इस टीचिंग फैकल्टी जो आप इकट्ठी हो गई और बढ़ रही है रोज जब पर फैलाएं तो तो लोग इंटमीडेट हो के यार अल्लाह ने ये भी पायदान दिया किसी को कि ये दर्जा में सामने उस्ताद ये असल में तो अपने दर्जे पे तब आता है ना जब अपनी कमाल पे होता है वरना उस्तादों से ज्यादा नुकसान भी कोई नहीं कर सकता ना किया है ना हमारे ने पिछले दो तीन नस्लों में उस्तादों की वजह से तबाह हुए सारे नहीं ऑफकोर्स सारे उस नहीं काम के हैं अल्लाह ताला उनको उनके दर्जा बुलंद करे मगर कन्विंग एविलिटी जो उस्ताद के पास अल्लाह ने गिफ्ट में दी होती है उस पेरेस्टल में बैठा होता वो जो बोलेगा सही है इससे बड़ी पावर मिल सकती है किसी को सो यू आर द रीजन वाई एम डूइंग दिस नाउ यू आर द सोर्स ऑफ माई कॉन्फिडेंस मेक श्योर यू कीप

It's not one-class plan, one-generation plan. Now it's a hundred-year plan. So I plan, nah, it's not the most attractive plan, it is not the most sensible plan, it is not the most realistic plan. Okay, or So challenge me, challenge her all the time. She's mostly in your meetings. I meeting nahi hota hum, aapke in every meeting you with you. challenge improve the system okay i hope uh, this is uh, going to be enough for today's meeting okay I apologize to the, my faculty you cannot speak Urdu but uh, this is a repeat of the same thing of course I, I have more of my audience in Urdu as well. so I have to give a little bigger of a quota

Okay? अपनी, अपनी, चौदह सौ साल पहले किसी तरीके से नबीलाम ने करके दिखा दिया, था ने पूरा का पूरा आगे कर दिया बीच में जो कुछ भी डाउन डाउन आते रहे वो खैर है वो फित्री है अब हमें जिमल दो से लेना पड़ेगा इको सिस्टम रिवाइव द आइडेंटिटी मुस्लिम आइडेंटिटी को क्लियर करके दोबारा से देना है मैंने कहा ना थिंक लाइक अटूडेंट शुड थिंक लाइक अस वन लाइन इसलिए वो सारे के सारे कोर्सेज में डाल रहा हूं जिसमें वो अली स्किल्स वो अली नॉलेज वो अली एटीट्यूट होंगे कि जो कहीं से भी कहीं से भी आप किसी भी जगह पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चौदह सौ साल पहले का रिवाइवल प्लान है ओके द ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर बोलता हूं मैं इसको ओके वी डोंट वांट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स वी वांट द ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि नबी असलाम ने प्रेजेंट किया और साहबा ने फ्लर्श कर दिया था. ओके okay, उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए यस अरबी इज वन ऑफ द स्किल्स यस बाकी के स्किल्स के कोर्सेज आप देख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर वी वी आर डूइंग कैन बट जब तक आपको वो तस्वीरें नहीं आएंगी जो मेरे जहन में आती हैं ठीक है तब तक वो वो ये एनर्जी जनरेट नहीं होगी जो जो बेचारा हो ठीक है होगी आपकी अपनी नेचुरल एनर्जी भी है उस एनर्जी को भी जनरेट करेंगे आप

they are going to remind you i hope they're going to put a lot of pressure on you pressure okay i hope uh, i've answered your question as well okay so aj ratko आज शाम को अभी से लेकर रात तक दस, दस बजे तक सादिया ने आपके क्लोस्टर मीटिंग कर लेनी है या फिर कल वो कर लेंगी आज आपको आपका अपना अपना रोस्टर अभी आ जाएगा थोड़ी देर में देखता हूँ मैं भी फाइनल गो हेड देख लूँ और दे दूँ एक नजर कर लूँ फिर गो हेड दे देता हूँ नो एल्स टू बी कम्युनिकेटिंग टू यू वो तो मेरा डिसीन नहीं वो आपकी सीईओ का जो कैसे आपको स्टूडेंट अलॉटमेंट और टीचर्स अलाटमेंट की जो कम्युनिकेशन टीम है वो स्टूडेंट को भी कम्युनिकेट कर देगी इनशाला कल तमाम स्टूडेंट्स को अपनी अपनी क्लास टाइमिंग्स की कॉल्स ई मेल्स जा चुके होंगे और आपको भी आपको तो आज हॉस्टल आज ही मिल जाएगा ठीक है तो so, अपनी टाइमिंग उस पर देख लीजिएगा एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग एल्स कल हम कोर्स मीटिंग में दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे कल नहीं तो पढ़सू इनशाला चले बुक्स को हमने स्पिट कैसे करना है पूरे साल में

मेरी जरूरत तो बिल्कुल नहीं होगी तो so, हम हर टीचर को एक रोज एक अलग लीड में रोल में देखेंगे कोई चाहे लेसन प्लानिंग का हो चाहे ऑब्जेक्टिव सेटिंग का हो चाहे स्टूडेंट प्रोफाइलिंग सेशन हो प्लीज वो आप अपने शी विल अनाउंस वन लीड पर मीटिंग एवरी डे कैन नो कि आपकी लीडरशिप पोटेंशियल को एक्सप्लोइ किया जाए और आपको आपको अगले रोल्स में भी डालना चाहिए हमने ठीक है सो यू नो नीड मी और हर इन एवरी मीटिंग यू नीड टू मेक श्योर मीटिंग हैज टू बी डन एवरी डे Okay. Inshallah. Okay, okay. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara alaikum wa barakatuh. wa barakatuh.